और कहा कि माँ अब आप ही हमें इस मूल का सुर से बचा सकती है। और मूल का सुर को जब पता चला कि सीता आ रही है तो उसने कहा मेरे रावण राज्य का विध्वंस होना, कुंभकर्ण का विध्वंस होना के कारण यही चंडी है, यानी सीता को चंडी कहता था, यही चंडी है जिसने मेरे, मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा। सीता जी जब वाल्मीकि जी के पास थी तो उन्होंने ललिता शास्त्र नाम का, ललिता की पूजा रोज किया करती थी अपने पुत्र और इनके लिए, तो उनको पुत्रों को वाल्मीकि जी ने सारी चीज़ें सिखाई थी, सारी विद्याएं सिखाई थी। ये स्थिति असंभव स्थिति थी। रामचंद्र जी एक तरफ हताश होकर बैठे थे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी लोग हताश होकर बैठे थे। जब मूलकासुर युद्ध के लिए तैयार होगा और पता चला कि सीता जी आ रही हैं, तो सीता जी ने उस समय आह्वान किया माता छिन्नमस्ता का और कहा कि तुम आह्वानित हो जाओ और मैं उसका वध करना चाहती हूँ। उस समय जो मंत्र किया उस मंत्र के साथ उन्होंने मूलकासुर पर अपना शस्त्र चलाया। कहते हैं कि मूलकासुर का दो टुकड़े हो गए और वह राज विभीषण को दे दिया गया और सीता जी वहाँ से जाने लगी। रामचंद्र जी ये कहने के लिए तैयार नहीं थे कि सीता जी तुम रुक जाओ, लव कुश भी करने के लिए नहीं तैयार नहीं थे कि तुम रुक जाओ, और वो चली जा रही थी। उस समय रामचंद्र जी ने कहा एक बार तुमने मुझे इतनी सहायता की है, एक बार तो कुछ तुम्हारी इच्छा तो बोल लो, मैं तुम्हारी इच्छा संपूर्ण करूँगा। सीता जी पलट कर देखी और कहा कि अगर इच्छा ही मुझे बोल लेना था तो कभी की बोल लेती थी, मुझे कुछ भी इच्छा नहीं, मैं जा रही हूँ। तो रामचंद्र जी बहुत दुखी हुए और कहा कुछ तो तेरी इच्छा होगी, बोल ले। तब माता पृथ्वी कहती है कि इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में जरूर इच्छा बोलेंगी, लेकिन इस जन्म में तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। दूसरा जन्म जो हुआ तो रुक्मिणी के रूप में श्री कृष्ण की पत्नी बनी और रुक्मिणी के रूप में उन्होंने उनकी सेवाएं की। उनको अष्टभार्याएं श्री कृष्ण की हुई, उन्होंने 16,000 गोपिकाओं को साथ में लाया। ये सारी चीज़ों को आपको सबको पता है। तो एक दिन सभी लोग बैठे हुए थे, रासलीला हुई, रुक्मिणी भी बैठी हुई थी, तो श्री कृष्ण से 16,000 गोपिकाओं ने और अष्टभार्याओं ने कहा कि हमारी एक इच्छा है, क्या आप पूर्ण करोगी? श्री कृष्ण को अपना राम जन्म याद आया और कहा हाँ, उस जन्म में तुमने इच्छा नहीं मांगी, इस जन्म में तुम इच्छा मांग रही हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, इच्छा क्या है मांगो। रुक्मिणी कहती है कि तुमने हम इतने अष्टभार्याओं को और 16,000 गोपिकाओं को किया, हमारी एक इच्छा है कि हम जब मृत्यु को प्राप्त करेंगे तो तुम्हारे गोद में सर रखकर हमारी मृत्यु हो, तुम्हारे सामने हमारी मृत्यु, ये वरदान दो। ये तो असंभव कार्य था। 16,000 गोपिकाएं अष्टभार्याएं जो कृष्ण की गोद में सर रखकर मृत्यु को प्राप्त करें। कृष्ण अचंभे में पड़ गए कि आगे कार्य कैसा। उन्होंने कहा हे छिन्नमस्तिके, अब इस असंभव कार्य को संभव करने वाली तुम्ही हो, तुम्हें कुछ करना होगा। कृष्ण ने कहा जिस दिन तुम कहोगे उस दिन तुम्हारा ये वचन मैं पूर्ण करूंगा। और उन्होंने अपने शरीर को 16,000 शरीरों में बांट दिया और सभी 16,000 गोपिकाओं के सर अपने पास रख लिए। द्वारका डूबते समय इन गोपिकाओं के साथ अष्टभार्याओं को अपने सर में रखकर उनके सर पर छिन्नमस्ता की दीक्षा देकर कहा कि यह इच्छा जो कहेगी इस छिन्नमस्ता साधना इस असंभव कार्य को भी करेगा। और रुक्मिणी और अष्टभार्याएं उनके गोद में सर रखकर कृष्ण के सामने अपना शरीर त्यागी। यह असंभव कार्य था। इसके बाद यह हुआ कि यह बात जब राधा को पता चली तो राधा ने कहा प्रभु सभी को तो सब कुछ दिया, मेरी स्थिति क्या, मैं ना आपकी पत्नी, मैं तो प्रेमिका हूँ, लेकिन आप जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, तुम्हारा बिना मैं एक मिनट भी सहन नहीं कर सकती और मैं रह भी नहीं सकती। तो कृष्ण ने कहा मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं सकता, ऐसी बात कैसी, लेकिन जब उनकी इच्छा पूर्ण करते हो तो तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो वो लोग वास में श्री कृष्ण ने कहा हम दोनों मिलकर माँ छिन्नमस्ता की आराधना करते हैं और छिन्नमस्ता की आराधना की और कहते कि हम शरीर नहीं छोड़ेंगे, मैं जिस दिन शरीर छोड़ूंगा
तो यहाँ से गोलोकवास के लिए जाएगी और राधा को अपने गोद में लेकर उन्होंने जब राधा को गोलोक के लिए भेज दिया और श्री कृष्ण बाण के साथ एक जो जंगल में एक राधा गर्जन में वाली था उसने उनके अंगूठे को मारकर श्री कृष्ण ने अपने प्राण छोड़े थे, ये भागवत कथा में कहा जाता है। ये सारी चीज़ें अपने को भागवत कथा में बताई नहीं जाती कि कौन किसने कौन सी साधना की थी। अगर आपको मैं पहले से कहते हुए आऊं तो आप देख लेना, जब कोई असंभव स्थिति हो जाती थी, जैसे मैंने कहा है कि समुद्र मंथन हो रहा था, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि असुरों को कहा देवताओं ने कि तुम नाग का फणी जिधर है तुम उधर पकड़ लो, हम तुम जिधर है पूछ दे रहे उधर पकड़ लेते हैं और हम समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन करेंगे करने के लिए समुद्र मंथन के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन जैसे समुद्र मंथन आरंभ हो गया नाग के फणों से विष आने लगा, इतना विष कि पूरे असुर काले हो गए और वो समुद्र में वो पर्वत जो था मंदराचल पर्वत वो अंदर धंसते गया। अब इसको कैसा करें, अमृत को निकालना है तो उसका समुद्र मंथन तो हो। तब भगवान विष्णु ने माता श्री नमस्ता की नमस्ता को आह्वानित किया, कहा कि माँ मार्ग बताओ। तो उन्होंने कच्छप अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया और समुद्र में मंदराचल के नीचे गए और आपको बाकी कथा मालूम है, मोहिनी का अवतार हुआ, अमृत असुरों को बांटा गया, विश्व असुरों को दिया गया, ये पहला हुआ। दूसरा अवतार हुआ, हम अगर चाहते हैं तो हिरण्यकश्यप कैसा था और हिरण्याक्ष कैसा था, ये दोनों भाई ब्रह्मा के मानस पुत्र होने के कारण वो बहुत ही तपस्शाली थे। उन्होंने देखा कि ये पृथ्वी जब तक रहेगी इसके ऊपर लोग खड़े हैं, इस पृथ्वी को ही पूरा जलमय कर दूं तो इसके ऊपर कौन रहेगा, मैं ही राज्य करूंगा। हिरण्याक्ष ने पूरे पृथ्वी को समुद्रमय कर दिया, तो पृथ्वी डूबती गई, सारे वेद चारों वेद सभी कुछ चले गए, वो परेशान हो गए कि आगे क्या करना है। तब सभी लोगों ने विष्णु की प्रार्थना की, विष्णु भी क्या कहते, हिरण्याक्ष को वरदान है, वो किसी के हाथ से मरने वाला नहीं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश किसी से भी नहीं मरेगा। तो विष्णु ने प्रार्थना की माँ चिन्नमस्ता की, तो माँ चिन्नमस्ता ने कहा मैं तुझे तेरा कार्य करूंगी, क्या तुझे तू तेरा सर काट के देता है, तेरा मस्तक छिन्न करके देता है। उसने कहा जरूर देता हूँ माँ, अगर ये कार्य होता है। वैसा ही जैसा सिर काटा, उन्होंने वराह का रूप रखा, वराहावतार विष्णु ने लिया, तब हिरण्याक्ष मरा। इसी प्रकार दूसरे नरसिंह अवतार में भी हिरण्यकश्यपु ने ऐसा वरदान लिया, नर वानर कोई पशु पक्षी आदि की सुबह और शाम घर के बाहर या घर के अंदर स्वर्ग में पाताल में मैं कहीं नहीं मरूंगा ऐसा वरदान दो, ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। अब हिरण्यकश्यपु तो कहे कि मैं कहाँ कैसा मरूंगा, न स्त्री से मरूंगा ना पुरुष से, न ऐसा करके ये बात फिर सभी लोग गए विष्णु भगवान के पास और कहा कि इस असंभव कार्य को हिरण्यकश्यपु को किस तरह मारेंगे। तब से फिर विष्णु ने चिन्नमस्ता की प्रार्थना की माँ कुछ बताओ, तो माँ ने कहा तेरा मस्तक दे दे मैं तुझे इस कार्य के लिए संपन्न करूंगी। उनका विष्णु का मस्तक दे दिया गया, वहाँ नरसिंह का मस्तक रखा गया और वो नरसिंह अवतार हुआ और उसने सुबह और रात में नहीं शाम के समय में घर के बाहर घर के अंदर नहीं दहलीज के ऊपर और अस्त्र शस्त्र से नहीं नखों से मारा, वो नरसिंह अवतार था। तो मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि ऐसे असंभव कार्य जो संभव होने के लिए होते हैं, जो अपने पास अपने को लगता है कि अब मेरा ये कार्य नहीं होगा, तब आप चिन्नमस्ता की साधना करो, आप निश्चित रूप से उस कार्य को आप निपटा सकोगे, उस कार्य को आप अपने जीवन में कर सकोगे, प्राप्त कर सकोगे, एक ऐसी स्थिति है इसको। और इतनी अच्छी साधना होने पर भी हमारे पास ये साधनाएं करने वाले नहीं। जब आपको और एक उदाहरण देता हूं, जब जमदग्नि महामुनि अपने रेणुका माता के साथ जंगल में रहने लगे, तब कार्तिक वीराजन नाम के राजा सहस्त्रार्जुन थे जो जमदग्नि के आश्रम में आए और उनके घर में उनके पास कामधेनु गाय को देखा जो सब कुछ प्रदान करती है, तो उन्होंने कहा कि ये गाय हे ऋषि तेरे पास नहीं, मैं राजा हूँ, मेरे पास रहनी चाहिए। वो राजा के पास कामधेनु, तो उसने कहा ये मेरी तपस्या का फल है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो उसको खींच के ले जाने लगे तो एक पूंछ का बाल निकाल कर डालने से उसके कार्तिक वीरार्जुन के सारे सैनिक मारे गए। उनकी शक्ति देखकर कार्तिक वीरार्जुन भी परेशान हो गए और कार्तिक वीरार्जुन परेशान हो गए तो उनका बेटा जो परशुराम, चार बेटे थे उसमें एक परशुराम भी एक बेटा था,
तब माता रेणुका देवी ने प्रार्थना की कि बेटा कार्तिक राजन उपद्रव मचा रहा है, तेरे पिताजी को मारने के लिए तैयार, तू कुछ कर। तो अपने उनको अपने पिता को ही गुरु मानते थे, जमदग्नि महर्षि को, और कहा कार्तिक राजन को भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त है, वो गुरु प्राप्त उसके हजार हाथ है, वो किसी को भी किसी भी तरह मार सकता है, उसको वरदान है। तो हे जमदग्नि मामुनि, उसको मारने के लिए कुछ मार्ग तो बताओ। तो जमदग्नि मामुनि ने कहा बेटा इसका एक ही मार्ग है, छिन्नमस्ता की आराधना करो, अगर छिन्नमस्ता कहती है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। छिन्नमस्ता की आराधना करने गए, छिन्नमस्ता का आह्वान जैसे ही किया तो उन्होंने कहा कि तुम किसी का भी सर मुझे दे सकते हो तो मैं परशुराम को शक्ति प्रदान करती हूँ। और उन्होंने अपनी ही माता का शरीर काटकर, रेणुका माता का शरीर काटकर उस विद्या को ग्रहण किया और वो कार्तिक राजन को मारने के लिए गए। मैं आपको कहता हूँ छिन्नमस्ता विद्या एक ऐसी विद्या है जिसे हम सर काटकर अगर सर जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं तो वो इसी को छिन्नमस्ता सिद्ध कर। सर काटकर यूं छोड़ने वाला आदमी नहीं होता, सर काटकर सर जोड़ते हो तो ही तुम छिन्नमस्ता के साधक कहलाए जा सकते हो। जैसे शिवजी के जीवन में भी गणेश जी की आराधना वैसे हुई, सर काट दिया गया और हाथी का सर लगाया गया, ये सारे इतने सिद्ध कैसे हुए? केवल इस छिन्नमस्ता साधना के बल पर हुए। तो हम तो सर काटते नहीं, सर काटे तो जोड़ नहीं सकते, ये तो हमारी हम कर ही नहीं सकते, ये हमारे जीवन का एक रमन है, हमें कोई इसकी विद्या भी देने वाला नहीं। लेकिन छिन्नमस्ता ने ऐसा वरदान इन सभी लोगों को दिया जो मेरी आराधना करता है और औदुम्बर के फलों से मेरे मंत्र की आहुति देता है और छिन्नमस्ता को सिद्ध करता है, वो कोई भी इच्छा मेरे सामने व्यक्त करे, योग्य गुरु के सामने मंत्र हो और योग्य गुरु के सामने हवन हो और उसकी इच्छा बोल ले, ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो। मैं आपको चाहता हूँ कि संसार में, अब क्या कहूँ कि मेरे से भी बहुत सारे योग्य गुरु हैं, बहुत सारे दृढ़ गुरु हैं, गुरु अपना अपना काम करने हैं, सभी लोग हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा जीवन भर कभी के लिए रह जाती है। मेरे सद्गुरुदेव जी ने पहली बार इस संसार में अगर दशमा विद्या को ठोक कर किसने कहा है तो केवल वो परमहंस स्वामी निखिलेश स्वामी डॉक्टर नानक सिंह मान लीजिए, बाकी कोई गुरु नहीं है जो ठोक कर इस कलयुग में कहते हैं दशमा विद्याएं हैं, जिन्होंने कहा कि दशमा विद्याएं है, दशमा विद्याएं है कहा, उन्होंने साधनाएं की, उन्होंने मार्ग बताया, सब कुछ किया, लेकिन हम एक बात से वंचित रह गए। आज ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं कि को कहे कि मैं छिन्नमस्ता या माँ काली का साधक हूँ और छाती ठोक कर कहे कि मैं इस साधना को संपन्न करके आपको बता सकता हूँ, ऐसा ये व्यक्तित्व है। और मेरी कभी भी ये इच्छा बनी रही कि मेरे गुरु का नाम संसार भर में हो, उनको ये विद्या कोई असफल नहीं है, वो सफल है, उसको बताने के लिए मेरा जीवन में डाल दूँ, मेरा जीवन मेरा सर पे कट जाए तो कोई बात नहीं, मेरे गुरु का नाम संसार भर में हो और कहूँ कि ये विद्याएं श्रेष्ठ है, ये विद्याएं आज भी जागृत है, चैतन्यवान है, साधना के मार्ग से इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। कोई शक्तिपात इच्छा इसको सिद्ध नहीं कर सकती, तपस्या चाहिए, साधना चाहिए, और ये जब साधना होगी आप आपकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आगे होंगे। ये विद्या है, ये कोई मूर्ति नहीं है। जैसे छिन्नमस्ता देवी ने कहा कि मैंने सुषुम्नायना और पिंगला तीनों नाड़ियों को मैं अगर आपको इसको सिद्ध करके बतला सकती हूँ तो यह योग की विद्या है। वो योग कामना वो है जहाँ शिव शास्त्रार्थ में जागृत रहते हैं, जिसको हजारों साल तपस्वी करने के बाद भी अपना शास्त्रार्थ जागृत नहीं कर सकता, अपनी नाभि मंडल को श्रेष्ठ नहीं कर सकता, अपने सर काट कर फिर सर को जुड़ा नहीं सकता, ये विद्या है, इसे छिन्नमस्ता विद्या कहा। आज हम कोई एग्रीकल्चर इसमें जाते हैं तो आजकल वो क्या कर रहे हैं, एक कोई भी अपने झाड़ का आगे का सर होता है उसको काट कर दूसरा झाड़ लगा देते हैं और उसको आगे लगता है, ये क्या है? छिन्नमस्ता से विद्या क्या है? दूसरे फूल को लगाते हैं, अच्छा बीज दूसरे बीज से जुड़ा देते हैं, इसके अर्थ क्या है? इन विद्याओं में ये सारी विद्याएं हैं, छुपी हुई है, वो वृक्ष है। वैसे हम एक जमाने में हमारे ऋषि मानवों के सर उड़ाते थे, हमने देखा है वराह अवतार, नरसिंह अवतार, दक्ष प्रजापति का सर काटकर उसको उनको घोड़े का अवतार रखा गया, वराह अवतार, ये सारी चीजें हमारे पास हुई है, हमारी विद्याएं यहाँ हुई है और वो जागृत दैवत है, आज भी पूजे जाते हैं, लेकिन वो विद्याएं लुप्त हो गई, हमारे पास विद्याएं नहीं। हम अगर असंभव कार्य को संभव करना चाहते हैं, क्यों माता रेणुका का सर ही पूजा जाता है, धड़ की पूजा क्यों नहीं होती, कहाँ नहीं होती, इसके पीछे का रहस्य क्या है? परशुराम जी आज कलयुग के देवत कहलाए जाते हैं, चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी है। मैं गोवा शांता दुर्गा मंदिर शिविर हुआ परसों, वहां गया था तो वहां लोग कहते हैं कि इस कलयुग में जब कल्कि अवतार होगा
तो कल के अवतार में विष्णु का अवतार उसके गुरु केवल परशुराम जी होंगे और वो ये सारी विद्याएं उनको प्रदान करेंगे। तो आज भी परशुराम जीवंत है, आज भी वो जागृत है। ऐसे देवता ऐसे चिरंजीवी अभी भी जागृत है जो तुम्हें विद्या देने के लिए तैयार। क्या तुम उन्हें आह्वान कर सकते हो? क्या परशुराम जी सिद्धाश्रम में है? हम इसका इस कार्य को कर सकते हैं? हमें समय नहीं, ना बोलने वाला नहीं, कहने वाला नहीं कि विद्याएं हैं। मैं आज तुम्हें कहता हूं, कोई एक इच्छा आप आज तुम संकल्प करके बोल लो और तुम चिन्नमस्तक साधना मेरे सामने करो और केवल 16 अवतियां दो। निश्चित रूप से ऐसे ये नहीं करो आप बैठे कहाँ हैं और मेरे पास 2 करोड़ रुपए आ जाते हैं। आप 2 करोड़ रुपए मालिक हो तो 2 करोड़ रुपए, नहीं तो मैं कहीं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, ऐसी इच्छाएं तो नहीं। लेकिन कोई आपके जीवन में कठिन समस्या है और जो सॉल्व नहीं हो रही है तो आप इसको इस बात को बोलो कि ये कार्य होना चाहिए। आपको पता है कि कुब्जा जो कुबड़ी थी और कृष्ण भगवान जब मथुरा में आए और कंस को रोज इतर आदि सब गंध वगैरह ले जाती थी, तो जब कृष्ण ने उसको देखा और पूछा कि तू कहाँ जा रही हो, तो बोलती कंस राजा के पास रोज मैं इन चीजों को ले जाती हूँ, जो इतर वगैरह उनको अर्पण करने के लिए गंधा भी ले जाती हूँ। तो बोले तू मुझे दे दे। बोले क्या कर रहे हैं?